और विश करना है नवनीत जी को और उनको विश करते हैं पूरी टीम को और मुझे लगता है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और अर्जुन सही करेगा। तो आपको डायरेक्ट अंदर आपको खुद कितना प्रभावित करती है ये विषय, क्योंकि आप लोग जो अपने करियर में बनाए हैं सस्पेंस थ्रिलर और काफी लाजवाब सस्पेंस थ्रिलर, तो सोशल इनिशिएटिव वाली फिल्म जो है आपको कितना प्रभावित करती है और क्या आप नहीं देखो एज एन ऑडियंस तो डेफिनेटली प्रभावित करती है, अट्रैक्ट होते हैं और लोग देखते भी है सोशल कंटेंट सोशल मैसेज। तो फिल्म तो डेफिनेटली अगर खुद तो कुछ मैसेज है ऐसी फिल्म अच्छी है तो डेफिनेटली अच्छा करेगी और अच्छी चलेगी, क्योंकि एक सोशल मैसेज देना इसको फिल्म बनाना बहुत एक्चुअली मुश्किल है। एक्चुअली प्रोड्यूसर भी जो बहुत ये यानी सब्जेक्ट के लिए प्रोड्यूसर भी वैसे रेडी हो जाते हैं, रेडी होना चाहिए और बना तो वेरी गुड हार्टेड मेरे कैरेक्टर का नाम हिरानी है, माय नेम इज शताब्दी। फिल्म बहुत अच्छी है, एक लेडीज़ बेस पे फर्स्ट मूवी, मेरा फर्स्ट डेब्यू है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई प्राउड फील। एक लेडीज़ बेस पे और एक स्ट्रगल दिखाया गया है एक लेडीज़ का जो गांव से लेके विलेज से लेके बॉम्बे तक रहता है। अनुभव तर कुठल्या गोष्टीचा नव्हता एका लेडीजचा, बट जसं डायरेक्टरने सांगितलं वगैरे की स्टोरी अशी आहे, रायटरने सांगितलं स्टोरी हिशोबाने, त्या हिशोबाने मी करत गेले आणि अनुभव खूप चांगला राहिला आहे। काही डायरेक्टर भडकले पण काही टाळ्या पण वाजल्या फर्स्ट ह्याला वगैरे, चांगलं वाटलं, एक्सपिरियन्स खूप छान होता। आता मी मराठी सिनेमाज करणाऱ्या पुढं तुम्हाला बॉलिवूडमध्ये बॉलिवूडमध्ये आय होप सो, बट भेटलं तर चांगलं करणार, थांबणार नाही। ओके, पुढचं काय तुमचा पुढचा फ्युचर प्लॅन काय आणि आता कोण अभि मला कॉम्प्लिमेंट भेटले काय तुम्हाला भरपूर सिनियर ॲक्टर जेवढे पण कास्टिंग होते आमचे त्यांना कॅरेक्टर आणि ॲक्टिंग खूप आवडली, त्यामुळे त्यांचे ब्लेसिंग आहेत सोबत घरच्यांचे फॅमिलीचे आहेत। थँक्यू। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी तजला ताई का जिनकी जानिब से आज मैं शायद इस फिल्म में दिखाई दे रहा हूँ। और तजला ताई ने ये वैसे बहुत पारखी हुए हैं, यूँ कहिए कि राइटर भी वही हैं और प्रोड्यूसर भी वही हैं और पारखी नज़र है, शायद वो मेरे टीवी पे प्रोग्राम काफ़ी दिखा करती थी तो पक्का के रोल के लिए शायद उनको मैं फिट नज़र आया तो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। कम से कम ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा था, इसके बाद में जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप बीच से आपका शो मतलब आपका रोल स्टार्ट होने वाला है तो जब मैंने सुना कहानी सुनी तो मुझे बड़ा प्यारा लगा, उसके बाद में मैंने हामी भर ली और तजला ताई के साथ में काम करके बड़ा मज़ा आया। और स्टार कास्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पूरी फिल्म कैसे स्टार कास्टिंग मतलब कमलेश सावंत अपने आप में बहुत बड़े एक्टर हैं, इसके बाद में आनंद जोग, हम लोग साथ में बैठा करते थे और वैनिटी वैन में बैठ के तो वो मुझे पूछ लेते थे, बोले यार तू इतना जल्दी ये फट करके कर कैसे लेता है, तो मैं यही कहता था कि सर स्टैंड अप आर्टिस्ट हूँ तो कोई भी चीज़ मैं कोई भी कैरेक्टर पकड़ता हूँ तो वो उस हिसाब से मैं वो मेरे लिए स्क्रीन मतलब स्क्रिप्ट कोई बड़ा मायने नहीं रखती है, हालांकि लिखने का शौक मैं भी रखता हूँ। और आप देखिए
फिल्म देखिए, फिल्म इंजॉय कीजिए और मेरा रोल देखने के बाद में आप लोग इंजॉय ज़रूर कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर। फेसबुक के ऊपर भी हूँ, ट्विटर के ऊपर भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, हर चीज़ में हूँ और आप लोग देखिएगा ज़रूर। बाकी आपको बोल मदद देगा 100%। थैंक यू। कहना चाहता हूँ कि नारी शक्ति क्या चीज़ है, ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा ये नारी शक्ति की ताकत क्या होती है। तो नारी शक्ति पे और भी फिल्म बनना चाहिए क्योंकि आजकल सामाजिक मुद्दों पे काफ़ी फिल्म बन रहा है और नारी शक्ति कैसा विषय है? नारी शक्ति पे रोज ही फिल्म बनना चाहिए और नारी शक्ति पे रोज ही उठाना चाहिए। अच्छा, ये नारी का ही काम है और ये नारी शक्ति है, ये फिल्म में बताएगी और जरूर ये प्रेक्षक ने ये जानना चाहिए कि ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। मेरा पक्का एक मानना ऐसा है कि किस तरह का विषय है और कितना चुनौतीपूर्ण था जो आप किरदार निभाने, इस किरदार के बारे में बताइए कि क्या किरदार है आपका? मेरा नाम शताब्दी है और ये मेन मूवी में मेरा कैरेक्टर हिरानी का है जो एक लेडीज बेस पे स्टोरी है। तो आई प्राउड फील एक ऐसी स्टोरी है कि गांव की लड़की एक बॉम्बे में आके कितना स्ट्रगल करती है, क्या करती है और आज की नारी क्या कुछ नहीं कर सकती, ये दिखा देती है ये मूवी में। तो एक फीमेल दूसरे फीमेल को कोऑपरेट कर रही है, मैम प्रोड्यूसर हैं, कैसे कैसे थैंक्स करना चाहेंगी मैम को कि आपको फिल्म में मौका दिया काम करने का, क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? उनको तो जितना थैंक्स बोले उतना कम है। आप बताइए मैम शताब्दी, जब मैंने पहली बार शताब्दी को देखा तो मुझे वो सीधी सादी लगी और स्टोरी जो मैंने लिखी है स्टोरी, तो वो स्टोरी से मुझे लगा कि ये बस उसके लिए पैदा हुई है, वो स्टोरी इसके लिए ही है। जो शुरू में दो तीन बार भी मिली उससे कि मैंने डिस्कस किया, थोड़ा मिलना जुलना किया, तो उसके तो विचार थे तो बहुत सामान्य विचार थे जो आज के लड़की के नहीं होते, जो आज के लड़की के बस उड़ना चाहती है। तो इसका वैसा नहीं था कि नहीं मुझे कुछ करना है और समाज के लिए करना है, अगर ऐसा हो तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेगी। अच्छा, वो तो अच्छी बात है कि हा पिक्चरचा मुद्दा असा आहे की बेसपूर्ण ठीक आहे, मूवी का मुद्दा ये है की लेडीज के कनेक्ट है ये मूवी है। और बहुत सारी मूवी आई है आज तक आपने देखा है, लेकिन मूवी में भी मारा गया है हर लेडीज को, मतलब उसको बाहर नहीं लेके आते हैं। जैसा भी जो आज तक जितने भी पिक्चर आई है, बस तेरा यही जिंदगी है, तो पिक्चर में भी वही जिंदगी है, कुछ तो अलग करो, उसको बाहर निकलो ना। जो घर में कर रही है वही पिक्चर में उसको रोल दे रहे हैं और पिक्चर में दे रहे हैं वही लोगों को भी दिखा रहे हैं। तो मतलब जो आर्टिस्ट बनी आज स्टार बनी है, जो भी लोग है, जो हीरोइन भी है, जो भी स्टार बनी है, वो भी उनको पता है कि चलो मेरे जो घर की कहानी है वो वहाँ जाके मुझे रोना ही है, तो क्यों ना रोना, क्यों है रोना, रो मत, अपने आप को खुद को बनाओ, कुछ तो करो। जो बोले ना जी, काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर जो काफ़ी स्ट्रगलिंग था, जो मेरे लाइफ से बिल्कुल जुड़ा नहीं है, फिर भी उतना मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी बहुत मिला। सर, डायरेक्टर सर से डांट पड़ी, फिर भी ठीक है, उतना सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी है और ऊपर और मी जो लेडीज़ बेस पे, और मी का मतलब ही वही है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ और इसी बेस पे मूवी है। अपने बच्चे को गिफ्ट देते हैं तो मेकअप बॉक्स देते हैं, तो मेकअप बॉक्स दे दो लेकिन उसके अंदर नील कटर कैंची दे दो, ये मेकअप बॉक्स अभी बना लो क्योंकि अभी जरूरत है उसकी, ये संभाल के दे दो उसको कि लड़ी लड़की तेरे को ये लेके चलना, ये शस्त्र है तेरा खुद का, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं है दुनिया में। इतना अन्याय होने के बाद भी हर किसी के लिए न्यूज़ बनती है, पॉलिटिशियन वाले के लिए एक न्यूज़ बनती है, उनके लिए बोलना ये होना, वो जो भी न्यूज़ करते हैं,
लेकिन उसके साथ लड़ना जिंदगी में कोई नहीं चाहता। उनके लिए आज की न्यूज़ कल की न्यूज़ खत्म हो गई, ये न्यूज़। तो न्यूज़ अपने आप को न्यूज़ मत बनाओ, अपने को अगर न्यूज़ बनाना है तो एक स्ट्रग ब्राइट से न्यूज़ बनाओ, अलग बनाओ, एक सोच लेके। सावित्रीबाई बनो, शर्मा भाई बनो, लक्ष्मी भाई बनो, जो भी जो 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 बनाए, कल्पना अलग बनाएंगे, कल्पना चावला बनो, जो भी महिला की जो महिला आज कमजोर नहीं है, महिला अबला नहीं है। महिला घर संभाल सकती है तो बिजनेस भी संभाल, राइट राइट राइट, और बहुत सारे काम आज कर रही है। इस तरीके का मैं महिला अबला तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन महिला के बिना आदमी पूर्ण अपूर्ण है, राइट, आदमी अपूर्ण है, अपूर्ण ही है। जब महिला है तो आदमी है, अगर महिला ही नहीं तो आदमी नहीं है दुनिया में। फिर महिला के महिला ने जन्म दिया तो आदमी बन सकता है, ऐसा। तो बस अपने आप को बनाते जाए। अधूरी महिला पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो वो आसमान में भी उड़ सकती है, वो क्या नहीं कर सकती आज समाज में, राइट। तो ये जो किरदार है आपका, बहुत बड़ा चैलेंज है समाज को, लोग देखेंगे आपको, फॉलो करेंगे, तो कैसे डिफाइन कर पाई आप अपने किरदार से इस फिल्म को लेके, लोगों में जो मैसेज जाएगा क्या? बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज आज की नारी बहुत मतलब कमजोर नहीं है, वो कुछ कर सकती है, उसके हाथ में बहुत कुछ है, बट वो एक बेस रहता है कि हाँ कि कुछ करना, उसके माइंड में ये भर के रखा है समाज ने और परिवार ने कि नहीं ये तेरा ही है, ये कपड़ा धोना तेरा काम है, बर्तन मतलब जो भी यही तेरा काम है। अगर कुछ अगर घर में भी आप देखिए ऐसा होता है ना कि अगर बिजनेसमैन आदमी है और उसको कुछ ज़रूरत पड़ती है कि नहीं मुझे बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान देना है या फिर मुझे बिजनेस में नुकसान हो रहा है, और उसको पता चलता है कि नुकसान किस वजह से चल रहा है, तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, अगर बोलती भी है तो उसको बोलते नहीं नहीं तू मत बोल, तेरे को ज़्यादा अक्ल नहीं है, तो ये बंद करे, क्योंकि उसको अक्ल है, अगर उसको थोड़ा सुनते तो और भी आगे जा सकते हैं। चलिए दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज गो एंड वॉच मूवी मी। क्यों क्यों पर क्यों क्या ऐसी खास बात है? शताब्दी का मतलब ही फास्ट है, सुपर फास्ट है। तो शताब्दी के साथ ही पिक्चर भी सुपर फास्ट होनी चाहिए, सबने देखनी चाहिए। मेरी दिल से मन से सबसे विनंती ये है कि एंटरटेनमेंट हर कोई देखता है, कॉमेडी हर कोई देखता है। कॉमेडी तो करने के लिए रास्ते में अगर कोई गिर भी गया तो अरे कॉमेडी हो गई, अरे वो गिर गया तो हंस लिए। तो ये कुछ देखो ना, ऐसा कुछ देखो जो अपने से खुद से प्रेरित हो, अपने से खुद की भी कहानी हो, और कहानी अपने से है तो बाहर निकलना कैसे है, right। तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि पिक्चर ये देखो, मूवी देखो, ये आपकी मूवी है, हर महिला की मूवी है। कैसे दर्शकों को किस टाइप के दर्शकों को ये टारगेट किया गया इस फिल्म में? टारगेट किसी को नहीं किया, टारगेट तो सब महाराष्ट्र सब वर्ल्ड को टारगेट किया है ये मूवी को लेकर, क्योंकि मेरा एक डायलॉग है, तो मैंने Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में
अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनका सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।